चाइल्ड ट्रैफिकिंग पर एक फिल्म बनाई गई है जिसे बनाने के लिए आज से 12 साल पहले शुरुआत हुई थी। बता दें कि इस फिल्म की कहानी बच्चों की तस्करी और शोषण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर आधारित है। बहरहाल इस फिल्म में सेंसर बोर्ड ने कंटेंट के कई हिस्सों पर आपत्ति जताते हुए कैंची चलाई है। फिल्म का नाम लव सोनिया है। सेंसर बोर्ड ने ए सर्टिफिकेट देने के लिए 45 से ज्यादा कट लगाए हैं। इसमें मनोज वाजपेयी, ऋचा चड्ढा, मृणाल ठाकुर, राजकुमार राव और फ्रीडा पिंटो अहम भूमिका में हैं। सेंसर बोर्ड ने फिल्म से सभी इंग्लिश और हिंदी में मौजूद अपशब्द और गाली हटाने का आदेश दिया है। फिल्म में कई सीन्स पर भी CBFC ने कैंची चलाई है। डायरेक्टर तबरेज नूरानी ने इस फिल्म को बनाने के लिए 12 साल का इंतजार किया है। इतने लंबे वक्त के बाद अब सेंसर बोर्ड के रवैये से वो काफी निराश हैं। उनका कहना है कि इस फिल्म के लिए उन्होंने काफी मेहनत की है। इस फिल्म के लिए उन्होंने काफी रिसर्च की है, रेड लाइट एरिया पर गए हैं, NGO से मदद मांगी और कई लड़कियों को गंदगी से निकाला। तबरेज ने कहा, मैं इस तरह की फिल्म को हमेशा से डायरेक्ट करना चाहता था। इस फिल्म के लिए मैंने काफी मेहनत की है। तबरेज का मानना है कि मानव तस्करी के मुद्दे के साथ सिनेमा में न्याय नहीं किया जाता है। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।